हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हम क्लास फिफ्थ का लेसन ऑफ फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखे में से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर बता देता हूँ, डे आज आपका 14 है, क्वेश्चन आंसर्स की क्लास है, क्लास फिफ्थ, हिंदी सब्जेक्ट लेसन 5। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने कल किए थे और आज हम करेंगे लिखे जो अपना टॉपिक है इसका क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो शब्द दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से रिक्त स्थान की अपन को पूर्ति करनी है। क्या करनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या जाएगा श्रेष्ठ है। मैंने यहां राइट कर दिया है, समझ में आ रहा है? भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ यहां फिल कर दिया है अपन ने, ठीक है। खैर, आ ही गए तो ब्लैंक देनी ही पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? परीक्षा। आ ही गए तो ये परीक्षा यहां से लिया, यहां राइट किया, परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ये रिक्त स्थान की पूर्ति अपन ने परीक्षा शब्द से कर दी है। आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। गए, वे उन्हें पाने के लिए .. रहे। क्या? लपकते। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। वे उन्हें पाने के लिए क्या करते रहे? लपकते रहे। गए, ब्लैंक, भी खाओ और को भी खाने दो। क्या जाएगा? खुद। क्या जाएगा? खुद। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। क्या हुआ? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से अपन को भरना है या फिल करना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में ब्लैंक है। क्या आएगा? श्रेष्ठ। यहां पर ने श्रेष्ठ राइट कर दिया है। खैर, आ ही गए तो ब्लैंक देनी ही पड़ेगी। ब्लैंक क्या आएगा इसमें? परीक्षा। आ ही गए तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। गए, वे उन्हें पाने के लिए ब्लैंक रहे। क्या? लपकते। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। गए, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो खुद ब्लैंक में भर दिया, यहां दूसरों, तो यहां क्या होगा? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो ये ब्लैंक में अपन ने ये फिल कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का निशान लगाइए। जो वाक्य है, जो सेंटेंस राइट है उसके सामने राइट और रॉन्ग है उसके सामने रॉन्ग अपन को लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। राइट है रॉन्ग? राइट। क्या है? राइट है। तो यहां राइट अपन ने कर दिया। खैर, देवता और दानव दोनों को ही एक कमरे में बैठाया गया। देवता और दानव दोनों को ही एक कमरे में बैठाया गया। राइट है या रॉन्ग? क्या होगा? राइट है या रॉन्ग? तो ये रॉन्ग। एक कमरे में नहीं बैठाया, उनको अलग अलग बैठाया था, ठीक है। गए, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। प्रजापति ने बिना शर्त के भोजन करवाया था क्या? नहीं करवाया, उसने अपनी शर्त रखी। रॉन्ग, ठीक है। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। राइट है या रॉन्ग? देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। राइट है या रॉन्ग है? राइट। यहां मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए,
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर, सही में गलत होने पर गलत का निशान लगाइए, ठीक है? समझ में आ रहा है? के देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था, राइट या रॉन्ग? राइट। देव खे देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। गे प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। गे देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, राइट या रॉन्ग? राइट। तो देखिए राइट रॉन्ग रॉन्ग राइट, सही है गलत और सही, ठीक है गाइस? तो ऑल स्टूडेंट्स को इस वर्क को करना, राइट करना, लर्न करना, स्कूल होने पर भेजना, स्कूल में इस नोटबुक को चेक कराना, ऑल स्टूडेंट्स को गुड राइटिंग में इस वर्क को करना है। और जिस जिस स्टूडेंट ने नोटबुक जमा नहीं कराई है, सबमिट नहीं कराई है फर्स्ट यूनिट टेस्ट, वो ऑल स्टूडेंट्स नोटबुक सबमिट कराइए। ओके गाइस, थैंक यू।